आप देख रहे हैं वर्ड ऑफ पोएट्री यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद अब्बर नईम। ठीक है, आज हमारा जो लेक्चर है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। हम चिकन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, उसको हम आज स्टडी करेंगे, इसके पूरे पार्ट्स को देखेंगे। सो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा यहाँ पे जो है मैं आपको इंट्रो करवा दूँ इसका। इन्फेंटिबुलम, मैग्नम, स्टमस, यूट्रस, शेग्लैंड, वजाइना, क्लोएका। ठीक है, तो ये मैं अब आपको डिटेल से सारा बताता हूँ। पार्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कौन कौन से है, वो है ओवरी, सबसे पहले ओवरी है, उसके बाद इन्फेंटिबुलम है, उसके बाद मैग्नम है, उसके बाद स्टमस है, उसके बाद शेड ग्लैंड है और इसको यूट्रस भी कहते हैं, उसके बाद वजाइना है, उसके बाद हमारा क्लोएका है जहां से एग जो है वो रिलीज होता है। ओके, अब ओवरी क्या चीज है। इन द ओवरी टीनी टिश्यू बैग्स कॉल्ड द फॉलिकल्स फिल्ड विद योक। ठीक है, ओवरी के अंदर फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, और द लार्जेस्ट फॉलिकल्स ऑन द ओवरी रिलीज ऑफ द एग हैंड लेट ट्यूमर। ठीक है, जिस दिन एग जो है फॉलिकल लार्जेस्ट फॉलिकल रिलीज होता है उससे अगले दिन अंडा आ जाता है बर्ड लेट कर, क्योंकि बर्ड जो सारा एग का जो टोटल साइकिल है वो 24 आवर्स का है। ठीक है, सो सिमिलरली द नेक्स्ट मैच्योर फॉलिकल रिलीज नेक्स्ट डे, फिर उससे अगले दिन अगली फॉलिकल बन जाती है और उसका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, फिर अगले दिन दूसरा अंडा आ जाता है, तो उससे 24 घंटे का साइकिल जो है वो रिपीट होता रहता है। ठीक है, एक ब्रूडी हैंड के अंदर। ओके, मैच्योर योक साइज इज 25 to 35 मिलीमीटर। ठीक है, व्हेन योक मैच्योर द फॉलिकल्स रप्चर्स अलोंग अ लाइन एंड योक इज रिलीज। ठीक है, जब जो है योक जो है मैच्योर हो जाती है वो फॉलिकल्स जो है रप्चर होती है और फिर जो है वो रिलीज हो जाती है। और ये देखिए फिर यहाँ पे तो नहीं आ रहा, अगला पार्ट जो होगा हमारा इन्फेंटिबुलम वो इस फॉलिकल को जो योक को जो है वो अब कैच करेगा। यहाँ पे ये इस तरह इसकी ओपनिंग होती जाती है, मैं चलता हूँ आगे तो उसको मैं दिखाता हूँ। इन्फेंटिबुलम इज अ फनल शेप ऐसी होती है ये चीज फनल। ठीक है, फनल शेप एंड लाइज एडजेसेंट टू द ओवरी और ओवरी की बिल्कुल एंड नीचे होती है यहाँ पे, और इस तरह बोली होती है, जैसे वहां से फॉलिकल रिलीज होता है इसके अंदर जाता है और ये ऐसे कैप्चर कर लेता है, देन इसके आगे सारा फिर वो प्रोसेस चलता है। अब जो ये पूरा ट्रैक है इन्फेंटिबुलम, मैग्नम, स्टमस, यूट्रस, जो है इसको कहते हैं ओविडक्ट। ठीक है, ये पूरा ट्रैक इसको कहते हैं ओविडक्ट। अच्छा, लेंथ जो है इसकी कितनी है, इट इज अप टू 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, इन दी लेइंग हैंड ये 9 सेंटीमीटर की होती है इन्फेंटिबुलम की। अच्छा, फंक्शन क्या है, इट सर्च एंड रिसीव द ओवम रिलीज फ्रॉम द ओवरी। The yolk remains in the infundibulum for 15 minutes. The yolk है, जो ovum है, वो इसके अंदर 15 मिनट के लिए रहता है। ठीक है, fertilization takes place in the infundibulum if sperm is present and the first layer of albumen is deposited. यहाँ पे ही infundibulum के अंदर ही fertilization होती है। अगर bird का close हुआ है, male female bird का male bird के साथ close हुआ है, तो उसका जो सीमे है स्पर्म है वो इधर आया होगा और यहाँ पे ही जो है वो इसकी फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, और इसकी एल्ब्यूमन की जो है जो पहली लेयर होती है वो इसकी डिपोजिशन भी यहाँ पे ही हो जाएगी इन्फेंटिबुलम के अंदर। 15 मिनट के लिए यहाँ पे जाएगा टोटल और इसकी जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर। अच्छा, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है मैग्नम। मैग्नम इज द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ ओविडक्ट, इट इज 13 इंच लॉन्ग। ये 13 इंच लॉन्ग है, वो 9 इंच लॉन्ग था, ये 13 इंच लॉन्ग है। ठीक है, दी योक स्टेज हियर फॉर 3 आवर्स। यहाँ पे जो योक रहेगी वो रहेगी 3 घंटे के लिए एट मैच्योरिटी ऑफ द एल्ब्यूमन, और यहाँ पे मैक्सिमम लेवल जो है वो मैक्सिमम जो है वो एल्ब्यूमन यहाँ पे इसके ऊपर आ जाएगी योक के ऊपर। ठीक है, थोड़ी सी डिपोजिशन मैग्नम में हुई, बाकी जो आगे मैक्सिमम जो है वो एल्ब्यूमन यहाँ पे आएगी। अच्छा, दी चलेजा आर टू ट्विस्टेड कॉर्ड्स ऑफ योक extended from the opposite side of the yolk into the remaining albumen in the broken out egg. Chalaza hold the yolk on paired position on both longitudinal axis. Ab chalaza kya cheez hai, chalaza ke bare mein maine details se apne bataya tha, jo humne structural composition jab humne egg ki padhi thi usme maine details bataya tha usme ki chalaza jo hota hai ye
एल्ब्यूमन के अंदर एक मंथ है, और इसका क्या है कि ये योग को दरम्यान में मतलब के होल्ड करने के लिए ये इसका इसकी फंक्शनिंग ये होती है, ये योग को टूटने से जाता है, योग को दरम्यान में रखने के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो है स्टमस। स्टमस इज द थर्ड सेक्शन ऑफ ओविडेट। इट इज 4 inches लॉन्ग, ये 4 inches लॉन्ग है। इन्फेंटिबुलम 9 inch का है, 9 inch इसकी लेंथ है, और जो मैग्नम है उसकी 3 inch लेंथ है, और जो स्टमस है इसकी 4 inch लेंथ है, ठीक है। सॉरी वो 9 centimeter, 30 centimeter एंड 4 inch, ठीक है। द डेवलपिंग एग रिमेंस हियर फॉर 75 minutes, यहाँ पे 75 मिनट के लिए एग रहता है जो इसकी स्टार्टिंग डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है। इन्फेंडिबुलम में 15 मिनट, मैग्नम में 3 घंटे, और स्टमस में 75 मिनट्स। ओके, उसके बाद जो है वो द स्टमस इज स्लाइटली कंस्ट्रिक्टेड एंड इज वेयर द इनर एंड आउटर शेल मेम्ब्रेन फॉर्म। द इनर शेल मेम्ब्रेन लेड डाउन फर्स्ट, ठीक है, जो इनर शेल मेम्ब्रेन होती है वो पहले बनती है, द आउटर शेल मेम्ब्रेन लेड डाउन लास्ट, और एंड पे जो है वो आउटर शेल मेम्ब्रेन वो बनती है। एंड अबाउट 3 times the thickness of the inner membrane, और ये जो inner membrane की नस्बतन 3 गुना ये मोटी होती है जो outer shell होती है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे साथ साथ, infundibulum, magnum, isthmus। infundibulum मैं फिर बार बार repeat कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। इसकी जो length है वो 9 centimeter है, और इसमें 15 मिनट के लिए अंदर जाएगा, ठीक है, process होगा सारा। इसमें जो है वो जो ये मैग्नम है इसकी जो लेंथ है वो है 13 सेंटीमीटर, इसमें जो है वो 3 घंटे के लिए जाएगा, और उसके इस समय जो है हाँ इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगी और थोड़ी सी डिपोजिशन होगी उसकी एल्ब्यूमन की। इसके अंदर प्रॉपर एल्ब्यूमन मेजोरिटी मैक्सिमम एल्ब्यूमन यहाँ पे बनेगी, उसके बाद यहाँ पे जो है वो शेल इनर शेल मेम्ब्रेन और आउटर शेल मेम्ब्रेन बनेगी, ठीक है। कि और जो है यहाँ पे 75 मिनट्स के लिए जो है वो एग रहेगा डेवलपिंग एग, और इसकी जो लेंथ है वो 4 inches है, ठीक है। इसी तरह अब हम आगे चलें तो शेल ग्लैंड, ठीक है, शेल ग्लैंड और यूट्रस को यूट्रस ही कहते हैं। इज द फिफ्थ सेक्शन ऑफ ओविडक्ट। इट इज 4 to 5 inches लॉन्ग, ये 4 to 5 inches लॉन्ग होते हैं। इन द सेकंड सेक्शन द शेल फॉर्म्स ऑन द एग, ठीक है। शेल जो है इसके यहाँ पे जो क्या होता है कि शेल बनता है एग के ऊपर, ठीक है। The shell largely is made up of calcium carbonate. Shell जो है वो calcium carbonate का होता है, ठीक है। और the egg stays approximately 20 hours. यहाँ पे 20 घंटे के लिए अंदर रहता है, ठीक है, 20 घंटे के लिए। And acquires its color during the last 5 hours. और इसका जो color होता है white या जो brown आना तो वो breeder के ऊपर इंतजार होता है, तो वो जो आखिरी जो 5 घंटे होते हैं उसके अंदर वो color ठीक है बनता है अंडे का, एग शेल कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद वजाइना है, ठीक है। वजाइना इज द सिक्स्थ एंड लास्ट सेक्शन ऑफ ओविडक्ट। मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि जो ये 5 घंटे हैं ये इसी 20 घंटे के लास्ट 5 घंटे इसको अलग से समझ लीजिएगा, ठीक है। 15 मिनट वो 15 1 3 घंटे वो 3 घंटे 15 मिनट 75 मिनट अगले, ठीक है। ये हो गए ठीक है, ये हो गए 3 घंटे 75 मिनट, तो ये तकरीबन 4 hours and 20 minutes, ठीक है, बनता है। और 20 hours यहाँ पे, तो तकरीबन ये 24 hours का पूरा प्रोसेस होता है। अच्छा, अब वजाइना है। वजाइना इज द सिक्स्थ एंड लास्ट सेक्शन ऑफ ओविडक्ट। इट इज अबाउट 4 to 5 inches लॉन्ग, ठीक है। द वजाइना कैरीज द एग फ्रॉम द यूट्रस टू द क्लोएका। इसका क्या है कि ये यूट्रस से लेके क्लोएका को मतलब एग जो है वो उसकी ट्रांसफर करता है, और उसके बाद क्या है कि and does not play a part in egg formulation. इस यहाँ पे कोई egg formulation यहाँ पे मतलब इसकी egg कोई development इसके अंदर नहीं होती, क्योंकि यहाँ तक egg जो है वो हमारा तैयार हो गया होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि इससे सिर्फ जो है वो uterus से cloaca तक egg लेके जाना है, और it is made of muscles that helps push the egg out of the hands. इसमें ऐसे muscle होते हैं जो egg को push करने के लिए मदद करते हैं, ठीक है। Here the bloom or cuticle forms on the egg prior to oviposition. The egg turns in the vagina and comes out with the large end first. ठीक है, जो हाँ egg, ये भी आपको एक चीज मैं बताता रहा हूँ, egg जब भी मतलब के release होता है chicken की body से, तो वो उसकी जो
ब्लंट साइड होती है, मींस की चौड़ी साइड होती है वो निकलती है बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस था, तकरीबन 24 घंटे में सारा ये प्रोसेस हुआ और यही साइकिल रिपीट होता है। सो आई होप कि आपको जो है वो अच्छे से सारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की समझ आ गई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।